घोटक के नए SDPO अशोक रविदास अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। शहर में बढ़ते बाइक चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। कल संध्या मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान दोमोही चौक पर एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर हरना पुल से दोमोही चौक की तरफ आगे बढ़ने लगे। उक्त व्यक्तियों को गश्ती दल द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो वो लोग गाड़ी को घुमाने लगे। इस बीच गश्ती दल के द्वारा उन व्यक्तियों को पकड़ने के लिए गए तो मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति भाग गया तथा मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पूछने पर अपना नाम जोसफ मंडल उप जोसफ रंजन पिता सुभाष मंडल पता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मचिया सिमड्डा बताया तथा मोटरसाइकिल का कागजात मांग करने पर कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया और कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया ये गाड़ी चोरी का है और हम लोग अभी गाड़ी चोरी करने के इरादे से रात में घूम रहे थे। पकड़े गए व्यक्ति एवं बरामद मोटरसाइकिल को जब्त कर थाना लाया गया है। इस संबंध में गोड्डा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 187/2024। इस कांड में पकड़े गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। कल 8/10/2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय का एक आदेश प्राप्त हुआ था। शहर में जो चोरी की घटनाएं बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी इस संदर्भ में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने का, इसी के आलोक में सभी थानों को ये वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भी एक वाहन चेकिंग चलाई जा रही थी। इस दौरान दोमोही चौक के पास एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति जो सवार शहर की तरफ आते हुए दिखाई पड़े। जैसे ही उनकी नज़र हमारी पुलिस टीम पर पड़ी वो बाइक घुमा करके भागने का प्रयास किए। इस दौरान हमारी जो वाहन चेकिंग टीम थी उन्होंने तत्परता दिखाते हुए उसमें से एक व्यक्ति को खदेड़ करके पकड़ा। साथ ही साथ जब तक ये पकड़ते उस बीच वो 2 व्यक्ति भागने में सफल रहे। इनसे पूछताछ के क्रम में इनका नाम जो है इन्होंने अपना नाम जोसेफ मंडल बताया जो मुफस्सिल थाना के सिमड्डा के रहने वाले हैं। साथ ही साथ उनके पास से जो बाइक है चोरी का बाइक इनके पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि चोरी का काम करते हैं। फिलहाल भी वो लोग रेकी ही कर रहे थे ताकि कहीं उस तरह का कहीं असाधान देखे कुछ लोग देखे या कहीं साइड में कोई बाइक वगैरह दिखे तो उसको चोरी की जा सके, बट पुलिस की तत्परता के कारण वो चोरी करने में असफल रहे। 2 व्यक्ति भाग गए हैं। उस संदर्भ में हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। पकड़ाए व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 187/24 दर्ज कर लिया गया है। शहर में सर बाइक चोरी तो लगातार बहुत काफ़ी दिनों से है बढ़ रही है सर, उसको लेकर के आपके आने के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? कि अभी फिलहाल हम लोगों ने ऐसा नोटिस किया है कि घटना कुछ बढ़ी है। पहले काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, बाइक चोरी के बारे में लगातार हम लोग सूचना प्राप्त हो रही है। मेरे आने के बाद सभी थाना प्रभारी से हम लोग डिस्कस किए हैं इस संदर्भ में और हम लोग उसके संदर्भ में वर्कआउट कर रहे हैं। आजकल जल्द सर पूजा का समय है तो अभी कुछ जो है ये सब ज़्यादा बढ़ जा रहा है। हम लोग फिलहाल सभी थाना प्रभारी को पूजा के संदर्भ में खास उनको निर्देश दिया गया है कि फिलहाल जो सिविल में भी कुछ पुलिसकर्मी को छोड़ा जाए ताकि इस पर निगाह रखें। आप सभी को भी कोई अगर सूचना किसी तरह के प्राप्त होती है इस तरह का या कुछ उस तरह का दिखता है तो निसंदेह हमको संपर्क करें, हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। सर ये जो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है ये पहले भी कोई घटना को अंजाम दिया या ऐसे चोरी की घटना? अभी चोरी की घटना ये जो उनके पास से जो बाइक बरामद हुई है वो चोरी की ही है तो निसंदेह वो चोरी की घटना में पहले भी शामिल रहा। अभी फिलहाल उसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, अगर तक कुछ अगर जानकारी मिलती है तो हम लोग उसको शेयर करेंगे।